हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी पिज्ज़ा, जिसे आप चावल आटा लेफ्ट ओवर जो चावल बच जाता है पका हुआ चावल, इसे आप इस तरह से नाश्ता बनाकर खा सकते हैं, जो कि बहुत ही चटपटी चटनी के साथ शेयर करने वाली हूँ। चटनी की रेसिपी भी आप आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका आप आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। इसे आप देसी पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ गाँव में इसे ज़्यादातर बनाया जाता है। और ये देखिए, ये है नया चावल का आटा। तो नया चावल का आटा बनाने के लिए, नया फसल जब आता है धान कटाई के बाद जो नया चावल, उसे आप अच्छे साफ़ सुथरा धोकर सुखा दीजिए। और सुखाने के बाद इसे आप आटा चक्की में पिसवा सकते हैं, और उसके बाद आपका चावल का आटा तैयार हो जाता है। और ये देखिए, ये जो चावल जो दोपहर का जो चावल बच जाता है, उसे आप शाम के टाइम बना सकते हैं, या रात के जो बच गए उसे सवेरे बना सकते हैं। तो ये पका हुआ चावल है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक और एक प्याज, एक टमाटर को बारीक काट कर डाल दिया है, मिर्ची डाल दिया है, और पत्ती वाला धनिया डाल दिया है। अगर जैसे फर धनिया है तो फर धनिया को भी आप कूट कर थोड़ा सा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मैश कर लेते हैं। बहुत ही चटपटा बनता है दोस्तों, इसे आप ज़रूर बनाकर खाइए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसे मैं एक चटनी के साथ शेयर करूँगी, जिसे ज़्यादातर इसी चटनी के साथ खाया जाता है। तो चटनी की रेसिपी भी आपको वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, चावल का आटा डाल दिया हमने। तो यहाँ पर जैसे कि बस हमारे ये जो चावल है वो बाइंडिंग होना चाहिए, उतना आटा हमें डालना रहता है। जैसे कि एक कटोरी अगर चावल है तो आपको आधा कटोरी कम से कम चावल का आटा लग जाएगा, कम ज़्यादा भी लग सकता है, बस बाइंडिंग अच्छे से होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा चावल जो का आटा और चावल जो बचा हुआ चावल था, उसे हमने अच्छे से मैश करके ऐसे बाइंडिंग कर लिया है। और पानी ज़रूरत पड़े उतना आप डाल सकते हैं। ऐसे अच्छे से मतलब बनना चाहिए रोटी, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, तवा को गर्म कर लीजिए। इसमें घी लगा सकते हैं या फिर तेल लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं लगाना चाहते तो सूखा तवे में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है, सरसों का तेल। और उसके बाद इसे आप चाहे तो ऐसे हाथ से फैला सकते हैं, या फिर आप चौकी बेलन में भी रख कर इसे बेल सकते हैं आटा लगा कर, और नहीं तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे तवा में डाल सकते हैं। और डालने के बाद पानी छूते हुए इसे जो किनारे किनारे जो फट गया है उसे आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे डाल सकते हैं दोस्तों इसे। और उसके बाद जब एक तरफ से पक जाएगा तो हम इसे देखिए पलट दिए हैं, इसका कलर कितना अच्छा क्रिस्पी आ गया है। और दोनों साइड को हम अच्छे से क्रिस्पी ऐसे ही सेक लेते हैं, और सेकने के बाद इसे निकाल लीजिए। तो चलिए, हमारा देसी पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम काट लेते हैं पिज्ज़ा कटर से। तो ये देखिए, मैं इसे चार टुकड़ों में काट देती हूँ। तो एक बार ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट और बहुत क्रिस्पी नाश्ता होता है। बच्चे तो ज़्यादातर इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब नया चावल का फसल जब आता है दोस्तों, तो बहुत ही और ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका स्वाद जो है एकदम बढ़ जाता है। और ये देखिए, चलिए चटनी बनाते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ पर दो टमाटर ले लिया है, और थोड़ा सा फर वाला जो धनिया होता है वो ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, और सभी को हम एक बाउल में डाल देते हैं। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत झटपट बनता है ये जो चटनी है। और इसे आप ऐसे ही चावल आटा का जो ये रोटी है, मोटा रोटी से बोला जाता है दोस्तों, और या तो आप इसे चीला के साथ खा सकते हैं, सभी में बहुत अच्छा लगता है। और दाल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला जो चटनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सारा चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में यही वाला चटनी बनाया जाता है, उसे सिल बट्टे में पीसा जाता है। मैं यहाँ पर मिक्सी में पीस दी हूँ। और ये देखिए, चटनी भी बनकर तैयार है। तो चलिए, इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए एकदम देसी तरीका से मैं भी सर्व कर रही हूँ, क्योंकि हम देसी नाश्ता बनाए हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने एक चटनी ले लिया है, और यहाँ पर हमने जो हमारा देसी पिज्ज़ा जो बनाया है उसे हम यहाँ पर ऐसे सर्व कर लेते हैं। आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा रेड कलर पे, उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन जो आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको न्यू रेसिपी, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रेसिपी भी आपको देखने को मिलते रहेगा। और अगर मेरे चैनल में अगर नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए, कितना क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है, आवाज़ से आप समझ सकते हैं कितना क्रिस्पी। तो चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं।